हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सभी बढ़िया होंगे। एंड जैसा कि आप सब लोगों ने बोला था कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड कैसे खेले यार, टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो लाओ, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था। तो गाइस फाइनली आज मैं लेकर आ चुका हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड की मतलब टॉप 5 से लेकर 10 तक टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा, जिसमें कि आपको 100% गाइज रिजल्ट मिलेगा। एंड ये देखने के बाद गाइज आप सोलो वर्सेस स्क्वाड के एकदम मास्टर तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप अच्छे खासे प्लेयर बन सकते हो सोलो वर्सेस स्क्वाड को थोड़ी देर के लिए, या फिर काफ़ी टाइम तक मेंटेन कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट आज ही अप्लाई करते हो। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते करते जाओगे तो गाइज़ आप सोलो वर्सेस स्क्वाड में आराम से पूरी स्क्वाड को मेंटेन करके मार पाओगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो गाइज सोलो वर्सेस स्क्वाड मतलब आराम से बंदों को मार पाते, यहाँ तक कि मोबाइल प्लेयर तक की मारते हैं। तो गाइज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। एंड वीडियो पूरा मतलब गाइज मैंने बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है? तो इस वीडियो को मतलब लाइक एम रखते हैं यार 500 लाइक, जो कि उम्मीद है कि आप पूरा करवा दोगे, तो यार 500 लाइक करवा देना। एंड आगे मैं आपको बता दूँ, मैंने एक चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर भी फ्री फायर के वीडियोज़ आते हैं फ्री फायर रिलेटेड, तो उसे अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरे दोस्त का चैनल है, मेरा स्क्वाड मेट है, मान सकते हो, तो गाइज सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अभी बात करते हैं कि किस तरीके से आपको पूरा स्क्वाड मेंटेन करना है, मैंने किस तरह से स्क्वाड को मारा है एंड आप किस तरह से मार सकते हो। एंड प्रो टिप्स एंड ट्रिक जारी रहेगी, तो बस वीडियो को पूरा देखना और इंस्टाग्राम पर आ जाओ, भाई से बात करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 4 बंदे पूरे आ गए हैं, मतलब 3 एक साथ है और एक अलग है। तो इनको मैं कैसे मेंटेन करता हूँ? टिप नंबर 1 गाइस बता दूँ कि जब भी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो स्टार्टिंग आप क्लासिक खेल कर कीजिए, क्योंकि रैंक में जाओगे तो एक बंदा ही काफ़ी होता है आपके लिए, मतलब एक तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप अच्छे प्लेयर खेलते हो तो एक को तो आप आसानी से मार सकते हो। लेकिन मतलब रैंक में सोलो वर्सेस स्क्वाड बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो गाइस जब भी आप पहली बार सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, क्लासिक से स्टार्ट करो। क्लासिक से स्टार्ट करोगे आपका एकदम मतलब आपका माइंड सेट एकदम बन जाएगा कि बंदे कैसे आएंगे, कैसे मारने। रैंक में भी बंदे उस टाइप से आते हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस होता है कि बंदे को कैसे मारना है, ठीक है? लेकिन क्लासिक में क्या होता है, बंदे आते तो उस टाइप से, लेकिन वो मार नहीं पाते बिकॉज हम अच्छी तरह से खेल सकते। देखो एक बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक किया, तो पहले आप इस गेम प्ले को देखिए कि मैं कैसे मारता हूँ पूरा स्क्वाड। भले ही थोड़ा नूब है, लेकिन नूब को ही मार कर आप स्टार्ट करोगे तभी आप प्रो बन पाओगे। देखो एक बंदे को नॉक किया, यहाँ पर गन चेंज करके दूसरे को मारा। अगर गन चेंज नहीं करता तो मेरी M10 मानती नहीं कुछ, मतलब शॉट लगता ही नहीं। तो अब मैं इनको नहीं मारूंगा, नॉक पड़े इनको। मोस्ट ऑफ ऑल बंदे गलती क्या करते हैं, नॉक पड़े उनको मार देते कि कहीं अगर हम मर गए तो नॉक पड़े उनको मारने जाओगे तो ऑब्वियसली आप मर जाओगे। देखो इसको एक हेड लगा, गन चेंज की मारा, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस इसका गोली खलास हो गया था। अब यहाँ पर पीछे बंदा है तो मैं इसको मारने नहीं जाऊँगा, बल्कि घूम कर आऊँगा। घूम कर आकर देख सकना देखना गाइस, अब वो भी भाग गया है। तो अब क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर मैं वापस घूमूंगा। मतलब जब भी जितना भी आप बंदों को घुमाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैं देख सकती हूँ कैसे घुमाता हूँ। एंड गन से स्विच करना एकदम तुरंत आना चाहिए आपको। एंड जब भी भागते हो मिली वेपन सेलेक्ट करके हमेशा भागो। देखो मैं भाग रहा हूँ गन लेकर, कभी भी नहीं भाग रहा हूँ, गन ली हाथ में। अब यहाँ पर एक शॉट मारा, ग्लोवर लगाया क्योंकि बंदा आ गया था। तो यहाँ पर देखो गन, देखो कितनी जल्दी मैं स्विच कर रहा हूँ। देखो गन छोड़ी फिर भागा, गन छोड़ी फिर भागा। अब देखना गाइस वो ऊपर बंदा आएगा तो मैं उसको मतलब आराम से एक को लपेट दूंगा। देखो अब ये ऊपर आया, इसका शॉट मिस हुआ। अगर यहाँ पर गाइस प्रो प्लेयर होता, आप रैंक में होते तो आराम से वो मार देता, क्योंकि उसको पता है कहाँ मारना है तब मरेगा। तो पहले गाइस आप क्लासिक से स्टार्ट करो। एंड टिप नंबर ये है कि बंदे को घुमा कर मारो, मैं लास्ट में आपको टिप बताऊंगा, पहले आप इस गेम प्ले को देख लीजिए। तो गाइस अब मैंने 3 बंदे ऑलरेडी नॉक कर चुका हूँ, ओनली एक बंदा बाकी है, मतलब एक तो मार भी चुका हूँ। तो देखो अंदर अंदर से बंदा मार रहा, मैंने कवर लिया। एंड जब बंदा आया तभी मैंने गन हाथ में ली, पहले गन हाथ में नहीं ली और गन चेंज करके मारा हेड शॉट, बंदा खलास। तो ऐसे मैंने बंदे को मारा। सो गाइस टिप नंबर 1, चेंज गन एंड मिली वेपन क्विकली, ठीक है? क्विक गन सेंस इसको बोल सकते हैं। देखो गाइज अब मैं भागा, यहाँ पर हो सकता है बंदा, मैंने देखो जंप मारा, गन हाथ में लिया, देखना गन हाथ में लिया, जंप मारा और देखा कि बंदा तो नहीं है, नहीं था बंदा। वापस देखो मेली वेपन सेलेक्ट किया, जंप नीचे आते ही। एंड इस पर अगर वीडियो चाहिए तो स्पेशली डालूंगा। यहाँ पर देखना जंप मारा एंड गन सेंस किया, अगर यहाँ पर बंदा होता तो मैं जंप मारा डायरेक्ट हेड शॉट या फिर शॉट मार सकता था। यहाँ पर वापस मेली से वेपन सेलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पर गन लेकर कवर में खड़ा रह गया। अब और देखना गाइज कि कैसे मारता हूँ मैं। तो यहाँ पर बंदा आया, जंप मारा, शॉट किया, मेरा एम नीचे चला गया, कोई नहीं। यहाँ पर 2 शॉट मारे, 3 शॉट मारे, नहीं 2 मारे, फिर गन चेंज की एंड तुरंत बंदे पर फायर किया। तो देख सकते हो बंदा डाउन इजीली, इसमें कोई स्टेप नहीं लगा आपको, बस यही किन्ना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया। सो गाइज हमारी सेकंड टिप है कवर। कवर कैसे, देखो वहाँ से बंदा आया,
अगर मैं इसको नॉक पड़े बंदे को मारने लगता तो वो बंदा आसानी से मुझे मार देता पीछे से। तो टिप नंबर टू ये है कि कभी भी गाइज आपको नॉक करके बंदे को मारना नहीं है। अगर आप अच्छे खेल सकते हो, बंदे को घुमा सकते हो, तो घुमाते घुमाते चक्कर में वो बंदे आराम से मर जाएंगे एंड पूरा स्क्वाड आप ख़त्म कर पाओगे। तो आपने देखा था पीछे बंदा एक कूदा था नीचे, अगर मैं उसको मारने लगता तो वो मुझे मार देता, ठीक है। और आप अकेले हो, उनकी HP आप मान सकते हो 200 200 कर तो 800 HP होती है। तो यहाँ पर मैं घूम कर गया वापस बंदे के पास एंड अब उसको मारूंगा। एंड टिप नंबर वन भी यहाँ पर काम आई, देखो मिली वेपन से अभी भाग रहा हूँ। यहाँ पर देखना गाइस, जंप मारूंगा एंड गन हाथ में लूंगा। तो इसको भी गाइस मैंने शॉट दिया, भले ही वो रिवाइव करने लग जाए लेकिन आप घूम कर आओगे तो वो रिवाइव इतना देर में नहीं हो पाएगा। दो शॉट मारे, सेट नहीं बैठा। तो गाइस यहाँ पर गाइस मैंने गन चेंज की, क्विक चेंज, ये टिप नंबर थ्री फॉलो होती है। यहाँ पर गन चेंज की, मारा बंदे को, बंदा डाउन। तो टिप नंबर थ्री हो गई कि चेंज गन स्विच, क्विक गन चेंज, ठीक है, जो भी हर गलती से बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बंदा आया, अगर मैं साथ आता तो इसको मार सकता था लेकिन मेरी गन रिलोड नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने प्रेफर किया पहले कवर में जाते हैं, घूम कर आकर दोबारा मारेंगे बंदे को। तो यहाँ पर कवर में गया, अब यहीं से गाइज मैं वापस मुड़ा, देखो यहीं से वापस मुड़ा एंड अब इसको मैं मारने जाऊँगा। एंड टिप नंबर वन फॉलो हुई, मिली वेपन सेलेक्ट है, वापस गन हाथ में ली। तो गाइज ये आपको थोड़ी सी सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मिली वेपन सेलेक्ट कैसे करते हैं, इस पर वीडियो चाहिए तो मैं अलग से लाऊंगा आपके लिए, तो कमेंट में ज़रूर। गाइज ये सब करने के बाद टिप नंबर फाइव में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपको प्रैक्टिस यार इसके लिए बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, क्विक गन चेंज, देखो यहाँ पर मैं गन ली फिर वापस हाथ में मेली वेपन सेलेक्ट किया। तो इस पर अगर आप चाहते हो कि अलग से वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू क्विक गन चेंज या फिर मेली वेपन सेलेक्ट क्विक, तो इस पर मैं अलग से ज़रूर वीडियो लाऊंगा। आप मुझे बस एक कमेंट बता देना, भाई को बता देना कि भाई यार वीडियो ला दो बस, या फिर मैं कमेंट पिन कर दूंगा उस पर, कमेंट में लाइक कर देना, ठीक है। तो बस गाइज यही मतलब थी टिप्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट इसका क्या टू पार्ट टू लाऊं, जिसमें कि मैं रैंक में सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल कर मारूंगा बंदों को एंड उसमें आपको बताऊंगा। तो गाइज ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अभी शुरुआत करने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड की, या फिर अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं खेलते हो, कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 3 vs 1 हो जाता है, आपके बंदे मर जाते हैं, या फिर 2 vs 1 हो जाता है, तो वो भी मैं मतलब 2 vs 1 वाली भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया आपका तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 500 लाइक्स का टारगेट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो में मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। यहाँ पर देख सकते हो गाइज कैसे मैं हेड मारता हूँ स्टार्टिंग में, मतलब देखा भी होगा एंड देखो हेड, बाय बाय, थैंक यू।